तकरीबन आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, अगर आप एक DU से हैं और अगर आपने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं लेकिन पाया है, आपकी नेटवर्क की समस्या है या आपकी और भी कोई इश्यूज रहे हैं, यानी आप किसी भी कारणवश आपने अगर एक DU का फॉर्म जो एग्जामिनेशन फॉर्म सेमेस्टर का होने वाला है आपने उसको अप्लाई नहीं किया, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एक DU ने डेट बढ़ा दी है। उसकी डेट पूरा बात करते हैं कि उसकी डेट कितनी हुई है और उसके और कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए ये देखिए एक DU का ट्वीट आया है, लॉकडाउन की वजह से ग्रामीण इलाकों फंसे जो स्टूडेंट इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं भर सके हैं उनके लिए खुशखबरी, अब 10 मई 2020 तक फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने फॉर्म भरने की अंतिम तारीख अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 10 मई 2020 तक कर दी है। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर राजीव कुमार जो उसकी वाइस चांसलर हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, और यहाँ पे पूरा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप विषय क्या है इसका, इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के एंड सेमेस्टर की एंड सेमेस्टर परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में, महोदय कृपया उपरोक्त के संबंध में दिनांक 12/4/2020 को जारी पत्र का संदर्भ लेने का कष्ट करें। इस विषय में कतिपय संस्थानों द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में लॉकडाउन के कारण दूरस्थ इलाकों में स्थित उनके कई छात्र इंटरनेट अनुपलब्धता अथवा किसी अन्य तकनीक समस्याओं के कारण परीक्षा फॉर्म भरने में सफल नहीं हो सके हैं, अतः छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने के आ रही समस्याओं के दृष्टिगत एंड सेमेस्टर परीक्षाओं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 मई 2020 तक किया जा रहा है। आपसे अनुरोध कि अपने समय छात्रों को सूचना की अवगत कराने हेतु अंतिम कार्रवाई संशोधन कर सकें। तो ये जो डिटी उसकी बढ़ गई है, यानी 10 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस तरह की ज़रूरी नोटिफिकेशन और जानकारी के लिए एक DU की तमाम तरह की जो सूचनाएं आती है उसके लिए आप मेरे चैनल फोटो के अनुसार सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आपको और भी सारी न्यूज़ चाहिए आप अपने चैनल को विजिट करके दे सकते हैं, मैंने उसमें बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जो प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर राजीव कुमार सर हैं और उसके बाद दिनेश पाठक सर हैं, तमाम ऑल जानकारी आपको चैनल पर